हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लीग मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बीच। तो ये जो फिक्चर है, इस फिक्चर को मैनचेस्टर डर्बी भी बोला जाता है। दो आर्च राइवल मैनचेस्टर क्लब्स इस फिक्चर में एक दूसरे के आमने सामने हैं। फिलहाल मैनचेस्टर सिटी के बारे में आप सब जानते होंगे, प्रीमियर लीग का बेस्ट क्लब माना जाता है हर सीजन की तरह। इस बार भी ये टॉप फेवरेट है प्रीमियर लीग टाइटल जीतने का। इनके जो अपोनेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी एक अच्छा क्लब माना जाता है प्रीमियर लीग में, टॉप 4-5 क्लब्स में काउंट होता है। लेकिन अभी तक इस सीजन जो यूनाइटेड है उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। एक बार मैं आपको टेबल दिखाऊं तो फिलहाल सिटी जो है अभी थर्ड स्पॉट में है। वैसे जनरली हम सिटी को देखते हैं फर्स्ट सेकंड में ही, बट अभी टॉटनम और जो आर्सेनल है उनसे थोड़ा आगे निकल गई है। तो सिटी ने अभी 9 मैचेस खेले हैं जिसमें 21 पॉइंट हैं, 19 गोल स्कोर किए और 7 गोल कंसीड किए हैं। पिछले 3-4 मैचेस उनके बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूंगा उसमें 2 मैचेस सरप्राइजिंगली हार गए वुल्स और आर्सेनल वाला, जिस वजह से सिटी थोड़ा नीचे आई है। बट स्टिल गेम प्ले में कोई बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आया, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं एज्यूम कर रहा हूँ मोस्ट प्रॉबली इस सीजन भी अभी कुछ आने वाले मैचेस में अच्छा खेल के जो है टॉप में आ जाएंगे। वहीं यूनाइटेड जो है अभी 8th स्पॉट में शिफ्ट हो गई है। बहुत खराब शुरुआत रही थी, लास्ट कुछ मैचेस जीती भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रहे। 9 मैचेस में इनके 15 पॉइंट हैं, 11 गोल मारे हैं लेकिन इन्होंने 13 गोल कंसीड भी कर दिए। एक बार मैं आपको दोनों टीम का लास्ट मैच का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो सिटी अपना लास्ट मैच 2-1 से ब्राइटन के अगेंस्ट विन करके आई है। जो उनकी तरफ से गोल है वो हालैंड और अलवारेज ने मारा, एक असिस्ट था और डोकू का आया। जबकि यूनाइटेड भी अपना लास्ट मैच 2-1 से जीती है शेफील्ड से, लेकिन इस मैच में वो बिल्कुल कन्विंसिंग नजर नहीं आए। इस मैच में उनका जो गोल है मैक्टोमिने और डालो का आया था और फर्नांडिस और लिंडलॉफ ने एक एक असिस्ट प्रोवाइड किया था। फिलहाल इस वाले मैच की बात की जाए, ऑल दो डर्बी मैच है, मोटिवेशन लेवल प्लेयर्स लोगों की हाई रहेगी और दूसरा यूनाइटेड का होम मैच भी है, बट स्टिल मैं बैक करूंगा सिटी को बिकॉज सिटी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है अभी भी, जबकि यूनाइटेड इस सीजन बिल्कुल कन्विंसिंग नजर नहीं है और बुरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रही है। तो अभी के लिए मैं स्मॉल लीग में मैनचेस्टर सिटी को बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे मेन चीज, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे। पहले सिटी की बात कर लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये फेवरेट हैं तो मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर सिटी के पिक करने वाला हूँ। तो सिटी की प्रोबेबल इलेवन पर नजर डालते हैं। एडरसन मोरास इनके गोलकीपर होंगे, 4 इनके डिफेंडर होंगे, काइल वॉकर, स्टोन्स, डियास और गॉडियोल। फिलहाल इस मैच में अगर किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करने का, मैं सिटी को करूंगा। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा पोजीशन भी अपने पास रखेंगे तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर सिटी के पिक कर रहा हूँ। मैं फिलहाल चारों तो नहीं ले जा रहा हूँ लेकिन मैं कोई 3 डिफेंडर पिक करके चल रहा हूँ। तो अभी जो मैं 3 डिफेंडर ले गया वो है वॉकर, स्टोन्स एंड गॉडियोल। मैं फिलहाल वॉकर को गारंटीड पिक करूंगा, ये सीएन अटैकिंग वाइज भी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे, डिफेंस वाइज भी अच्छा कर रहे, और मैं स्टोन्स को ही पिक करूंगा। अब आप देखिए, स्टोन्स आ गए तो जो पेप गार्डियोला लास्ट सीजन वाली फॉर्मेशन खिलाते थे वो वाली ही खिलाएंगे। लास्ट ब्राइटन वाले मैच में भी ऐसी हुआ, स्टोन्स जो है मिडफील्ड में ड्रिफ्ट कर जाएंगे और ये बैक 3 बन जाएगा वॉकर, डियास और गॉडियोल का। तो वहां से जो है स्टोन्स को बहुत अटैकिंग फ्रीडम आती है, इस वजह से मैं स्टोन्स के साथ जा रहा हूँ, जो डिफेंसिव भी कर सकते हैं और अटैकिंग वाइज भी कभी भी गोल वगैरह कर सकते हैं और हेडर में भी अच्छे हैं। तीसरा मेरा प्लेयर है डिफेंस में गॉडियोल। अब गॉडियोल और डियास में वैसे 50-50 कॉल है, और लास्ट 1-2 मैचेस में मुझे गॉडियोल ज़्यादा अच्छे लगे, ज़्यादा एडवांस एरियाज में भी आ रहे, तो वहाँ से कभी कभी रैंडम असिस्ट का चांस बढ़ता है और बाकी डिफेंस वाइज तो अच्छे हैं ही। तो इस वजह से अभी मैं वॉकर, स्टोन्स और गॉडियोल ले रहा हूँ, लेकिन आप गॉडियोल वाले प्लेस में चाहे तो रूबेन डियास को भी करके चल सकते हैं। मिडफील्ड में रॉड्री मस्ट पिक, बताने की जरूरत नहीं है, करेंटली वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर में काउंट होंगे, हर चीज करते हैं, गोल, असिस्ट, चांस क्रिएट ऑन टारगेट, डिफेंसिव वर्क, बिना गोल असिस्ट के हर मैच में गारंटीड 30-35 सेव पॉइंट देते हैं, तो मैं रॉड्री को गारंटीड पिक करके चल रहा हूँ। वैसे बर्नार्डो सिल्वा भी अच्छे प्लेयर है, वैसे मैंने इनको रॉड्री के बगल में लिखा है लेकिन ये एक फ्री रोल में खेलेंगे, थोड़ा एडवांस खेलेंगे, अच्छे प्लेयर है, रैंडम गोल असिस्ट कर सकते हैं, बट अभी इस सीजन उतने कंसिस्टेंट नजर नहीं आए और मुझे इनसे थोड़े ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल लेते तो अभी मैं बर्नार्डो सिल्वा को अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पाया, फिलहाल मैंने इनको इग्नोर किया है। अभी मैं अलवारेज, अर्लिंग हालैंड और फोडन, इन तीनों को भी गारंटीड पिक करूंगा। हालैंड बताने की जरूरत नहीं है, गोल मशीन है, पेनल्टी टेकर है, क्लियर कट कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। अलवारेज इस सीजन रेड हॉट फॉर्म में चल रहे तो ये भी वर्स्ट पिक है और वाइस कैप्टनसी के टॉप कंटेंडर होंगे। फोडन, ऑल दो आप कहेंगे उतनी ज़्यादा प्रीमियर लीग में गोल नहीं आए, बट इस प्लेयर को हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनका दिन होगा हैट्रिक मार देंगे। मुझे याद है लास्ट सीजन अक्टूबर में यूनाइटेड वर्सेज सिटी मैच हुआ था, 6-3 से यूनाइटेड जीती थी, उस मैच में
हैट्रिक हालैंड की भी आई थी और दूसरी हैट्रिक फोडन की आई थी, यानी कि तीन तीन गोल हालैंड और फोडन दोनों ने स्कोर किए थे। तो फोडन एक ऐसे प्लेयर है तीनों का कभी भी गोल असिस्ट हर चीज कर सकते हैं, तो मैं इनको भी एक पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ग्रिलिश थोड़े से इनकंसिस्टेंट है, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इनसे बेटर ऑप्शन मिले थे अगर डोकू खेलते हैं। वैसे वो फॉरवर्ड सेक्शन में लिस्टेड है, स्पेस होता है, आप मान ले सकते हैं, बट अभी के लिए अगर ग्रिलिश के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये मैनचेस्टर सिटी की 11 थी जो मैं यहाँ से अभी के लिए 7 प्लेयर्स ले गया हूँ। मैं डिफेंस में ले गया हूँ वॉकर, स्टोन्स और गोडियोल को, इसके अलावा मैं रॉड्री, अल्वारेज, फोडन और अर्लिंग हालैंड को पिक करके गया हूँ। बाकी पेनल्टी टेकर भी हालैंड ही है और ये अभी तक का मैंने मैनचेस्टर सिटी के सीजन के स्टैट लिखे हैं। 9 गोल है हालैंड के, कोई आसपास भी नहीं है, 4 गोल अल्वारेज के हैं, 2 गोल रॉड्री के हैं, बाकी का एक एक गोल है। बाकी आप असिस्ट वाला कॉलम भी देख सकते हैं। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिलाऊंगा, इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट के लिए आपको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपोनेंट यूनाइटेड की, तो एंड्रे ओनाना इनके गोलकीपर होंगे। मेरे अकॉर्डिंग सिटी बहुत अटैक करेगी तो मैं गोलकीपर ओनाना को पिक कर रहा हूँ, ये ज़्यादा सेव्स कर सकते हैं। 4 इनके डिफेंडर हैं, डालो, वरान, मैग्वायर और रिगिलोन। अब मुझे यूनाइटेड के डिफेंस में बिल्कुल भरोसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इनकी बुरी थ्रैशिंग हो जाए, सिटी 4-5 गोल मार दे, तो फिलहाल अभी मैं इनका कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया। लेकिन आपको किसी के साथ जाना है, आप डालो के साथ जा सकते हैं, अटैकिंग वाइज तो अच्छे हैं, लास्ट मैच में एक अच्छा गोल मारा था और डिफेंस वाइज भी ओके ओके हैं। नहीं तो आप मे बी मैग्वायर या रिगिलोन में भी किसी को ले सकते हैं, मैग्वायर को रिसेंटली मौके मिलने लगे हैं और ये पिछले कुछ मैचेस से डिसेंड कर रहे हैं, हेडर में अच्छे और डिफेंस वाइज ओके ओके हैं, बट अभी मैं इनका कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गया। मैं कासेमिरो को बड़े मैचेस में गारंटीड रिकमेंड करूंगा। कासेमिरो एक तो डिफेंसिव वर्क तो करते हैं और बड़े मैचेस में आपने देखा होगा रियल मैड्रिड के टाइम से ये रैंडम हेडर में गोल या कैसे भी रैंडम गोल मार देते हैं। मुझे इस सीजन भी याद है एक बैन वाला मैच जिसमें इन्होंने 2 रैंडम गोल स्कोर कर दिए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग कासेमिरो बड़े मैचेस में मस्ट पिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी मस्ट पिक है। दूसरा मैं मिडफील्ड से पिक करूंगा ब्रूनो फर्नांडिस को, जो वैसे तो यूनाइटेड के मेन प्लेयर है और पेनल्टी टेकर भी है। इस सीजन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है बट स्टिल हम इनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, ये भी कभी गोल असिस्ट कर सकते हैं। तो मैं कासेमिरो और फर्नांडिस को मिडफील्ड में पिक कर रहा हूँ। अभी मैं अमराबाद को इग्नोर कर रहा हूँ, ऑल्दो डिफेंसिव पॉइंट दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है यूनाइटेड स्कोर नहीं करेगी, तो जो मैं अटैकर ले आने वाला हूँ हॉयलैंड, उनके प्लेस में आप सीधे सीधे अमराबाद ले सकते हैं, या अगर यहाँ पे खेले मैकटोमिने जो सरप्राइजिंगली इस सीजन यूनाइटेड के टॉप स्कोरर हैं, पिछले 2 मैचेस में 3 गोल है, आप उनको भी ले सकते हैं, बट अभी अमराबाद को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एंटनी ने कुछ खास किया नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रैशफर्ड और हॉयलैंड दोनों आपको फॉरवर्ड सेक्शन में मिलेंगे। रैशफर्ड इस सीजन बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है, पिछले 7-8 मैचेस से इनका गोल नहीं आया, लेकिन आप जानते हैं बड़े प्लेयर हैं तो आपको सेफ जाना है, आप फॉरवर्ड में ले लेना, हो सकता है आज बड़े मैच में आ जाए। फिलहाल मैं एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी रैशफर्ड को नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इनके न्यू वंडरकिड या न्यू फॉरवर्ड हॉयलैंड को। ऑल्दो हॉयलैंड ने भी इतने गोल नहीं मारे लेकिन मुझे हर एक मैच में बहुत शार्प नजर आए, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले रहा हूँ हॉयलैंड पे। मुझे लगता है शायद सिटी के अगेंस्ट होम में एक आध गोल स्कोर कर दे, तो हॉयलैंड वर्सेस रैशफर्ड में आप अपने अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की 11 थी जो मैं यहाँ से 4 प्लेयर ले गया। मैं गोलकीपर ओनाना ले गया, इसके अलावा मैं कासेमिरो, ब्रूनो फर्नांडिस और हॉयलैंड को भी करके गया हूँ। बाकी जो पेनल्टी टेकर है वो फर्नांडिस ही हैं और ये मैंने अभी तक इनके सीजन के स्टैट लिखे, आप देखिए 3 गोल है मैकटोमिने के, 2 गोल फर्नांडिस के, बाकी के एक एक गोल है, बाकी आप असिस्ट वाला कॉलम भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरी इस मैच की प्रिडिक्शन पे, तो मैं क्लियर कट 3-1 मैन सिटी विक्ट्री के साथ जा रहा हूं। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने ओनाना लिया यूनाइटेड से, 3 मैंने सिटी के डिफेंडर लिए, स्टोन्स, गोडियोल, वॉकर। गोडियोल के प्लेस में आप चाहे तो रूबेन डियास ले सकते हैं। मिडफील्ड में वहां से सिटी से लिया मैंने रॉड्री और फोडन, और यूनाइटेड से लिया है कासेमिरो और फर्नांडिस। फॉरवर्ड में मैंने हालैंड, हॉयलैंड और अल्वारेज को पिक किया है। अब आप यहां पे चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप हॉयलैंड के प्लेस में सेफ जाना है तो मार्कस रैशफर्ड ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप श्योर हैं यूनाइटेड स्कोर नहीं करेगी तो आप हॉयलैंड और रैशफर्ड दोनों को अटैकिंग मिडफील्ड में अमराबाद या मैकटोमिने में जो भी खेलेगा कासेमिरो के अलॉन्ग साइड उसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी किसी को बर्नार्डो सिल्वा पे पढ़ लेना है तो शायद आपको फिर मे भी आपको लगता है फोडन ड्रॉप हो या फ्लॉप हो, या आपको लगता है रॉड्री अच्छा नहीं करेंगे, उनके प्लेस में बर्नार्डो सिल्वा पे पढ़ ले सकते हैं, बट अभी मैं सिल्वा को भी पिक नहीं कर रहा। कैप्टनसी फिलहाल मैंने सेफ हालैंड को ही दी है। वाइस कैप्टनसी हम सिटी को बैक कर रहे हैं तो अल्वारेज बेस्ट ऑप्शन है, आप फोडन को दे सकते हैं। किसी को लग रहा है क्लोज मैच होगा तो वो फर्नांडिस या हॉयलैंड रैशफर्ड में जिसको पिक कर रहा उनको भी अपना वीसी कर सकता है। तो फिलहाल ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन
कर लीजिए।